जो रेसिपी बनाने में इजी हो और खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी हो तो उसका क्या कहना फ्रेंड्स। चलिए बनाते हैं आज हम सूजी का डोसा फ्रेंड्स। जी हाँ, बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है और बनाने में झटपट बन जाता है। ज्यादा हमारे सामान की भी जरूरत नहीं बन पड़ती है फ्रेंड्स। तो स्टार्ट करेंगे हम अपने सूजी के डोसे की रेसिपी। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रमिला। प्रमिला की रेसिपी में फ्रेंड्स आपका स्वागत है। तो चलिए, देर किस बात की। सूजी के डोसे के लिए हम एक कटोरी सूजी ले लेते हैं और इसमें डाल देते हैं आधी कटोरी दही। आप खट्टा या सिंपल कोई सा भी दही इसमें ऐड कर सकते हैं। दही से क्या होता है, हमारा जो डोसा है काफी सॉफ्ट बनता है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते हैं। एकदम से पानी कभी नहीं डालना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे इसको। कोई भी इसमें गांठे वगैरह सूजी में हमारी ना रहे, ये कोई भी इसमें हमारी सूजी के गांठे नहीं है। इसमें हमें बिल्कुल ऐसा बैटर तैयार करना जैसे हम चावल और दाल वाला जो डोसे का तैयार करते हैं। अब इसको हमने ये अच्छे से कर दिया है। अब इसको हम 10 मिनट्स के लिए कवर करके रख देते हैं जिससे हमारी सूजी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो जब तक हमारी सूजी सॉफ्ट होती है तब तक हम इसका आलू का बैटर बना लेते हैं। इसके लिए हमने कढ़ाई ले लिया, इसमें 2 टेबल स्पून हमने ऑयल डाल दिया। इसको थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं। 1 टीस्पून डाल देते हैं इसमें जीरा। एक बारीक कटा हुआ प्याज डाल देते हैं इसमें। दो से तीन हरी मिर्च डाल देते हैं, बारीक कटी हुई, एकदम बारीक बारीक डालें इसमें, ज्यादा मोटी ना डालें। 1/2 टीस्पून डाल देंगे हम यहाँ पर हल्दी पाउडर। 1 टीस्पून डालेंगे हम यहाँ पर धनिया पाउडर। इनको अच्छे से कर लेते हैं मिक्स। अब यहाँ पर हम बॉईल किया हुआ आलू डाल देंगे। सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग। वन टीस्पून डाल देंगे हम यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर। आपको जितना तीखा पसंद है आप उतना तीखा इसमें ऐड कर सकते हैं। लाल मिर्च को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। इसमें डाल देते हैं हम लेमन जूस, अमचूर या आप चाट मसाला, इन तीनों में से कुछ भी इसमें डाल सकते हैं। अगर आपको लगे कि आपका बैटर थोड़ा सा आलू का पेस्ट जो है टाइट है तो इसमें 1 टेबल स्पून के करीब आप पानी ऐड कर सकते हैं इसमें। अब इसकी हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसको एक ट्रांसफर कर लेते हैं एक प्लेट में। 10 मिनट्स हो चुके हैं, हम अपने सूजी के बैटर को चेक कर लेते हैं और इसमें सॉल्ट डाल देते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हमारा जो बैटर है वो इस तरह का होना चाहिए एकदम। चलिए स्टार्ट करते हैं डोसा बनाना। हमने एक पैन ले लिया है, इसमें डालते हैं 1 टीस्पून ऑयल और उसको एक टिश्यू पेपर से आप निकाल दीजिए, उसको इस तरह से कर दीजिए। तो हम अपना बैटर डालेंगे इसमें और इसको इस तरह से फैला दें। ये देखिए, अच्छे से हमारा बैटर हमने डोसा बिल्कुल कर दिया है। अब इसको हम मीडियम फ्लेम पर सिकने देंगे। इसके चारों तरफ हम हल्का सा डाल देते हैं ऑयल, बिल्कुल हल्का सा डालेंगे कि जिससे ये अच्छे से नीचे से क्रिस्पी बन जाए। मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसको हम सेकेंगे और चेक कर लेते हैं। ये देखिए, हमारा जो डोसा है रेडी हो गया। अब इसी को क्या करना है, हमें आलू का जो बैटर लगाना है तो इसको सिर्फ 1 सेकंड के लिए हमें ऐसे पलट देना है और जो हल्का सा ये
सीख जाएगा, हल्का सा बिल्कुल उसका कलर चेंज हो जाएगा, तो हम फिर से इसकी साइड को चेंज कर देंगे। साइड चेंज कर देते हैं इसकी, ये देखिए बिल्कुल हल्का सा किया है हमने। अब आलू का बैटर हम इस पे लगा देते हैं। और इसको चारों तरफ हम फैला देंगे। आप चाहे तो इसके ऊपर पनीर भी स्प्रेड कर सकती हैं, काफी टेस्टी हेल्पफुल रहता है ये। हमने चारों तरफ से अच्छे से देखिए आलू का बैटर फैला दिया है। इसको हम फोल्ड कर लेते हैं। ये देखिए कितना क्रिस्पी है, इसको फोल्ड कर लेते हैं इस तरह से। ये देखिए अच्छे से हमारा डोसा तैयार हो गया, इसको निकाल लेते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारे सूजी के वेरी वेरी टेस्टी बनकर तैयार हो गए हैं डोसे। फ्रेंड्स देखिए कितने शानदार लग रहे हैं हमारे डोसे एकदम अंदर से। हमने इसमें अच्छे से करी है इसकी फीलिंग। खाने में जितने टेस्टी हैं फ्रेंड्स, उतने बनाने में भी बहुत ज्यादा इजी है। तो कैसी लगी फ्रेंड्स आपको हमारे ये सूजी के डोसे की रेसिपी? तो अपने आप बच्चों को ब्रेकफास्ट में, लंच में या टिफिन में बनाइए और अपने घर में आप इंजॉय कीजिए, चाहे किसी चटनी रायता के साथ में फ्रेंड्स। तो जल्दी से हमारी इस वीडियो को आप कर दीजिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फ्रेंड्स। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फिर से मिलेंगे हम आपको न्यू रेसिपी में, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय।